अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 2, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, एंड द टॉपिक नेम इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले अगर हम रिकॉल करें तो हमने चैप्टर 2 के स्टार्ट में प्लम पुडिंग थ्योरी पढ़ी थी, दैट वॉज गिवन बाय जे जे थॉम्पसन, एंड ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विथ टाइनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड। जैसे कि ये एटम है, इसका स्ट्रक्चर और ये ओवरऑल, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें स्टक हुए हुए हैं, जैसे प्लम स्टक हुए हुए होते हैं किसी भी पुडिंग में। इसके बाद फिर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज पढ़ी। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा जो कि सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया और उसकी बेस पे जे जे थॉम्पसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा जिसमें हमने कहा गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया। इसी तरह हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा जिसमें चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट करके एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर किया। अब जब नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्टिकल सारे डिस्कवर हो चुके थे तो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको उसने नाम दिया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट उसने इसलिए किया ताकि वो ये जान सके कि ये नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्जेस जो कि प्रोटॉन्स हैं, ये एटम में एक साथ कैसे रहते हैं। How negative and positive charges could coexist in an atom? इस एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स लिए और एक गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस बहुत ही कम थी, 0.00004 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये अल्फा पार्टिकल्स उसने कहाँ से लिए। अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, रेडियम, पोलोनियम, जिसमें से रेडिएशन एमिट होती हैं। असल में ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई हैं। जैसे कि हमें पता है कि हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और हीलियम की एबिलिटी है कि वो पेनिट्रेट कर जाता है थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। अब इस डायग्राम में जैसे हमें पता चल रहा है कि ये जो येलो एटम्स शो हो रहे हैं ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड के एटम्स हैं, और ये छोटे सर्कल जिनमें 2 पॉजिटिव साइंस हैं ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, हीलियम न्यूक्लियाई हैं जिन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्ड फॉयल और अल्फा पार्टिकल्स के अलावा रदरफोर्ड ने एक फोटोग्राफिक प्लेट और हम कह सकते हैं कि स्क्रीन यूज़ की जिसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स का इफ़ेक्ट देखना था। और फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन जो रदरफोर्ड ने यूज़ की इस एक्सपेरिमेंट में, वो कोट हुई हुई थी विद जिंक सल्फाइड। मींस उस स्क्रीन पे और प्लेट पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई हुई थी, और उस स्क्रीन के ऊपर इन जब बम्बार्डमेंट कराई अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉयल पे, गोल्ड के एटम्स पे, तो उनका इफ़ेक्ट देखना था कि क्या है। और इसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित किया। जैसे कि हमने कहा कि प्लम पुडिंग मॉडल में क्या हमने पढ़ा था कि जे जे थॉम्पसन ने कहा था कि एटम ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर टाइनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक हुए हुए होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने वो प्लम पुडिंग मॉडल गलत साबित किया। जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गोल्ड फॉयल पे, तो फोटोग्राफिक स्क्रीन पे रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी जिसमें सबसे पहले उसने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट स्क्रीन की तरफ चले गए, बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड स्क्रीन की तरफ चले गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर 20,000 टोटल पार्टिकल्स थे तो उसमें से कुछ ही पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए एट फेयरली लार्ज एंगल्स, और उससे भी कम पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए, हिट किया गोल्ड फॉयल को और वापस मुड़ गए। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि अनडिफ्लेक्टेड सारे चले गए, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चले गए। अब इन ऑब्जर्वेशंस को अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो ज़्यादातर पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट गए,
कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, किसी ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की है, किसी ने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की है, जबकि बहुत ही कम, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिपेल्ड बैक और रीबाउंस, और हम कह सकते हैं कि वो बाउंस्ड बैक हो गए, वापस मुड़ गए। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशंस की बेस पे रदरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन्स दिए, और जैसे कि मैंने बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल को रदरफोर्ड ने कहा कि वो इनकरेक्ट है, गलत है, तो उसने इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे अपने कंक्लूजन्स दिए और एटम का स्ट्रक्चर भी दिया। अब ये कंक्लूजन्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।